हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ फार्मिंग सिम्युलेटर 22। तो भाई आप लोगों की डिमांड पे अब हम खेलेंगे बिल्कुल ही बेस गेम। एक भी मोड नहीं, एक भी ग्राफिक्स मोड नहीं, कुछ भी हाई सेटिंग नहीं, कुछ भी लो सेटिंग नहीं, भाई बिल्कुल बेस गेम, बिल्कुल रॉ गेम है ये। तो अभी अपने पास करंटली देखते कितने ट्रैक्टर है। तो अपने पास मैप पे 100 हो रहा है, जैसे कि एक ट्रैक्टर ये है, एक ये है, एक ये हार्वेस्टर है और एक ये वाला ट्रैक्टर है। तो ये वाला मैप आई थिंक सेकंड मैप है ये या थर्ड मैप है, मेरे को अभी आइडिया नहीं, पता नहीं, मैं खोला जब ध्यान नहीं दिया। और अपने पे है कितने, एक सेकंड, अपने पे ये चार चार नहीं हाँ चार बोलते हाँ तीन तीन फार्म है, तीनों पास ही है। बाकी ना अपना पहला टारगेट ये रहेगा कि ये सारे फार्म हम बाई करें, दूसरा टारगेट रहेगा कि ये साइलेंट के पूरे सारे फार्म बाई करें, तीसरा टारगेट ये रहेगा कि ये सारे फार्म बाई करें। और ये सारे फार्म बाई करने के बाद जब भी अपने 1 मिलियन हो जाएंगे रुपीज़ प्रॉफिट में, सब कुछ लोन का कट कुटा के, तब हम ये सीरीज़ बंद कर देंगे। अब देखते हैं कि ये 100 एपिसोड, 150 एपिसोड, पता नहीं कितने एपिसोड में पूरी होती है। अगर ये सीरीज़ में कंटिन्यू रखूँगा तब, अगर ना मतलब अगर सपोर्ट मिलेगा तभी कंटिन्यू रखूँगा, और पूरी सीरीज़ में ये पूरा मैं बाई कर लूँगा तब इस गेम को हम ख़त्म कर देंगे, अगर सपोर्ट रहा तभी, वरना ये बीच में ड्रॉप करनी पड़ी तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी ये आपके सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और मेरे को भाई बता दो यार कौन कौन रियल सपोर्ट कर रहा है मेरे को। बाकी अपने पास ये वाला ट्रैक्टर है और अपने पास एक हार्वेस्टर है ना, हार्वेस्टर को लगाते हैं ऑटो पे, क्योंकि ना इसमें तो ये है ना अपना वीट रेडी टू हार्वेस्ट हो रखा है अभी। भाई अपने को बता रहा है क्योंकि ये बिल्कुल ना बेस गेम है ना, तो बिल्कुल बताएगा ये कि क्या क्या करना है। कोई मोड्स वगैरह इसमें नहीं है ना, कोई ग्राफिक्स मोड वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बता रहा है कि इस बटन से ये करो, इस बटन से ये करो। तो ये ऑटोमेटिक हार्वेस्ट होता रहेगा जब तक हम लेके आते हैं दूसरा ट्रैक्टर। और ये है कल्टीवेटर, तो इस वाले खेत में कल्टीवेट करना है अपने को। अपने पे करंटली $1,00,000 थे, एक सेकेंड, ओके, अरे नहीं आगे वाला कहाँ छोड़ गया, ओके बढ़िया। तो इस पर मैंने ऑटो रख देते हैं अभी, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या काम है। ओके, सोइंग मशीन है ये, अभी कौन सा सीज़न चल रहा है, ये चल रहा है अगस्त, और अगस्त में हम बो सकते हैं कनोला एज यू ऑलरेडी नो, या ग्रास बोई जाए, क्योंकि ग्रास पूरे सीज़न रहती है और इजीली ग्रो भी हो जाती है और कभी भी हार्वेस्ट कर सकते हैं इसका। तो मेरे हिसाब से ग्रास बोना सही रहेगा, क्योंकि ना कनोला में टाइम लगता है और आपको पता है कि अनफर्टिलाइज खेत में कनोला भाई बिल्कुल भी नहीं होएगा। तो ग्रास बोया जा रहा हूँ मैं, बोने जा रहा हूँ सॉरी। बाकी बेस गेम है आप लोगों की डिमांड पे, बस सपोर्ट आप लोगों को करना अब इस पर अच्छा खासा, और हम काउ फार्मिंग करेंगे, बाकी और कुछ ना कुछ सब कुछ करते रहेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट सही है मेरे को अच्छा खासा। लेकिन ये पता नहीं है मतलब बादल क्यों फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ये मैंने सारे मोड अनइंस्टॉल कर दिए फिर भी, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ अगर किसी भाई को पता है तो। इसमें एक भी मोड नहीं है, मैंने सबको अनइंस्टॉल कर लिया है, बिल्कुल बेस गेम आप देख सकते हो। एक बार आपको दिखा दूंगा, ये आप देख लो मोड का सेक्शन भी शो नहीं कर रहा, ये तो अपनी ये मतलब है अपने फार्म हाउस पे जो भी चीज़ें हैं, बाकी यहाँ पे मोड का सेक्शन बिल्कुल शो नहीं करना, आपको बता दूँ पहले ही कि बिल्कुल रॉ गेम प्ले है ये, ताकि बिल्कुल नेचुरल फील आए, बाकी और कुछ नहीं। अभी अपने पास बेलर तो है नहीं, तो इसको तो हम, एक सेकेंड, ये दोनों ड्राइवर का क्लेश ना हो जाए यहाँ पे, रुक जा। हाँ ओके ना, आई थिंक मेरे चढ़ने से कुछ नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक रुकेगा। ये बादल बताओ फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, देखिए दिखाना यार, मतलब मैं मोड भी यूज़ नहीं कर रखा फिर भी, और ग्राफिक सेटिंग भी मतलब नॉर्मल है, इतनी कुछ खास नहीं कर रख रखी, मेरे को बताओ अगर किसी भाई को पता है तो। बाकी ये वीडियो मेरे को नहीं पता कितनी लंबी जाएगी, पहला एपिसोड है, कॉन्ट्रैक्ट देखता है कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या अपने पास। बेटर कॉन्ट्रैक्ट वाला भी मैंने नहीं लगा रखा मोड, मतलब 0 मोड लगा रखे हैं अभी, एक भी मोड नहीं है। तो ये वाला फर्टिलाइज़र का थोड़ा महंगा पड़ता है, $8,000 का है। बेलिंग का ना फील्ड नंबर 7 कितना बड़ा यार, देखते हैं कि फील्ड नंबर 7 दूर कितना, वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पास भी नहीं होना चाहिए, मतलब पास होना चाहिए सॉरी, दूर नहीं होना चाहिए। फील्ड नंबर 7 कहाँ है, 11, 10, 7, इतनी दूर है भाई, छोटा सा है लेकिन बहुत दूर, बहुत ज़्यादा है।
बाकी देखते हैं कि और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट सही है अपने पास। ये हार्वेस्टिंग का थोड़ा बढ़िया रहता है, बड़े बड़े इम्प्लीमेंट रहते हैं इसमें। ये फर्टिलाइज़र का फील्ड नंबर 43। 43 कितना बड़ा भाई, क्योंकि $8,000 दे रहा। 30, 47, 45 एंड 43, भाई इतना बड़ा है ये तो। लेकिन पास है ना शॉप यहाँ पे, ये तो मैं ये वाला कर लेता हूँ ना, सही रहेगा। हार्वेस्टिंग का निकात कौन सा था, हाँ फर्टिलाइज़र का, बोरो आइटम्स। तो ओके शॉप पे अपने को एक सेकेंड, ओ ये रही ना। और ये चीज़ ना मेरे को ना डाउट है कि अरे यार ये फर्टिलाइज़र वाला क्यों ले लिया मैंने, क्योंकि फर्टिलाइज़र भी अपना ही लगता है ना इसमें। रुक, मेरे को देखना पड़ेगा ना फर्टिलाइज़र कहाँ से लाना है अपने कॉन्ट्रैक्ट है। रुक जाओ, इसमें लिक्विड सॉलिड और स्लरी या मेन्योर कुछ भी डाल सकते हैं, तो खरीदना पड़ेगा क्या भाई? खरीदना तो महंगा पड़ जाएगा। मेरे पास शॉप पे है क्या, यहाँ पे मतलब शॉप क्या रे, सॉरी अपने फार्म हाउस पे कहीं पे पड़ा है क्या फर्टिलाइज़र? और अपने ना पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो अपने को ना एक फर्टिलाइज़र का बैग ही चाहिए होगा। एक सेकेंड, शॉप से बाई कर लेते हैं फिर, तो यहीं पे काम हो जाएगा। शॉप यहाँ से खुलेगी क्या, कहाँ पे है? ओके, तो व्हीकल डीलर है ये, पेट्रोल पंप है ये, नहीं है वो ही शॉप का ऑप्शन। हम करेंगे ना फर्टिलाइज़र, यहाँ है क्या? नहीं है। फर्टिलाइज़र कहाँ पे था? अरे यहीं पे था। एक तो बिना बोर्ड के, हाँ ये रहा, दिख पैलेट्स 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 नहीं, फर्टिलाइज़र ये तो पैलेट्स है। बिग पैक्स किसके हैं? ये वीट पैलेट्स। अरे फर्टिलाइज़र कहाँ है? ये क्या सॉलिड फर्टिलाइज़र $1,900 का, और ओके सीड लाइम सॉल्ट है भाई, केवल यही बाई कर सकते हैं हम, बाई करना पड़ेगा अब तो। शॉप पे आएगा ये भी यहीं पे, ओके पास ही तो आएगा। ये वेट भी यूज़ करना है क्या? अगर वेट यूज़ नहीं करूँ तो मिशन होएगा अपना, मिशन सॉरी कॉन्ट्रैक्ट, मिशन नहीं बोलना इसको। तो ये ऑटोमेटिक लोड हो रहा है, ये भी बिना मोड के होता है प्रेस आर करने से। यार ये लाइट का बताओ मेरे को ना, कोई भी मोड नहीं लगा रखा मैंने, फिर भी पता नहीं क्यों फ्लक्चुएट हो रही है। अगर मोड होता तो भाई मान ले कि मोड है, लेकिन बिना मोड के पता नहीं क्यों फ्लक्चुएट हो रही है ये। और एक चीज़ ध्यान रखना भाई, इसको ना घुमा घुमा के नहीं करना फर्टिलाइज, क्योंकि बहुत दिक्कत देता है भाई। इतना बड़ा फार्म है भाई, 4,000 का तो फर्टिलाइजर लग जाएगा इसमें भाई। गलत ले लिया ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने, ये कितना दूर जा रहा है ना उसके हिसाब से मैं फिर से आऊँगा, कितना वेस्ट नहीं जाएगा अपना फर्टिलाइज़र। ओके ना, थोड़ा ना डार्क डार्क हो जा रहा है जहाँ पे फर्टिलाइज़र हो रहा है, अगर आपको दिख रहा है क्या वीडियो में। वीडियो में 4K में अपलोड करूँगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं, सॉरी 4K नहीं 2K में करूँगा। 4K में वीडियो की लेंथ ना, लेंथ नहीं सॉरी ये साइज है ना भाई, ना 20 GB हो जाती है, अपलोड करने में पूरा दिमाग खराब हो जाता है मेरा, इसलिए ना 2K में करूँगा ना, ताकि 7-8 GB में काम हो जाए। और 2K में मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि भाई किसी भाई का इंटरनेट सही हो तो वो पूरी वीडियो देख सकता है अच्छी क्वालिटी में, वरना 360p या 240p पे भी ना क्वालिटी ड्रॉप नहीं होती है इसी, इसलिए ना 2K में करना पड़ता है। भाई ओवरलैप क्यों हो रहा है, वेस्टेज नहीं करना अपने को, ये वेस्ट नहीं करना सॉरी। ओके अब सही जा रहा, प्रोग्रेस कितना, 18% बढ़िया आ रही। 18% इतना जल्दी हो भी गया, मैंने अभी वर्कर बिठाया पता है, ताकि ना सीधा चलता रहे, स्टीयरिंग मेरे हाथ में नहीं है अब, वर्कर डिसेबल, लेकिन थोड़ा आगे चला गया।
अरे केवल 9% बाकी है भाई, कितना ज़्यादा लगेगा। भाई पूरा ख़त्म हो गया अपना फर्टिलाइजर तो, भाई इतना बड़ा फार्म है भाई, सारे पैसे तो मेरे के लग जाने हैं। फर्टिलाइजर के पैसे भी देगा क्या? नहीं, 8% बाकी है। अरे नहीं सॉरी, भूल गया था ना, पूरा दौड़ना भरा था ये। ओके ना, मेरी मिस्टेक है, भूल गया था मैं, पूरा दौड़ना भरा था यार। पूरा भरा होता तब 100% भरा होता। देखना पूरी लाइन छूटी है यहाँ पे, मिस किया हूँ मैं थोड़ा बीच में जगह। वो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि फील्ड का 100% यूज़ लेना है इसको या 80-70 में 100 कर देगा ये। थोड़ा दूर चलना पड़ेगा भाई। कमेंट करके बताओ यार, बिल्कुल रो गेम प्ले है, ना कोई चीटिंग, ना मॉड्स, ना पैसा, ना लाइटिंग, ना ब्राइटनेस। ज़्यादा ब्राइटनेस, भाई एक दो कमेंट भी आए थे कि ब्राइटनेस ज़्यादा रहती है, नेचुरल फील नहीं आती। तो भाई वो भी मैं ध्यान रखा हूँ इस बार कि बिल्कुल ना, गेम ऐसा है ना कि अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया ना वैसा है अभी, पूरे सारे मोड डिसेबल। बस ये आपके लिए ही, बाकी मैं मोड्स पे ज़्यादा ध्यान देता था पहले, क्योंकि ना इंडियन गेम प्ले सीरीज थी मेरी, तो उसमें तो भाई इंडियन मोड्स डालने पड़ते हैं। ज़्यादा तो नहीं है बड़ा यार, अच्छा खासा था, मतलब अच्छा खासा खेत है ये। हम बाई करेंगे ना तब अपना हो जाएगा ये, अच्छी प्रोडक्शन देता होगा ये। कौन सी फसल है ये? मैंने देखा नहीं, उतर के दिखाएगा क्या? ये है कॉटन। वाओ कॉटन है भाई, पता भी नहीं, मैं फर्टिलाइजर छिड़क रहा हूँ, कौन सा खेत है अब पता चला कि कॉटन है। अपनी वेजेस कट गए, कौन से ड्राइवरों के भाई, इतना जल्दी कट गए, $451 कट गए भाई। अभी तो कुछ कमाया नहीं, कट गए पहले पैसे। अपने पास टोटल कितने अभी? 97,381 डॉलर है। करेंसी अपनी डॉलर में आई है, ना कि इंडियन रुपीज़। इंडियन रुपीस में कर सकते हैं मोड से, मैंने कभी देखा नहीं यार, लेकिन नहीं अभी तो नो मोड गेम प्ले, नो मोड, नो ग्राफिक्स मोड, नो कुछ भी नहीं, रो गेम प्ले स्टॉक मैप्स में। बाकी ना ये मैप्स को कंप्लीट करने के बाद हम मोडेड मैप्स में खेलेंगे, अगर सपोर्ट बना रहा तो। और इस गेम को हम कंप्लीट करेंगे भाई, अब यही मैंने ठान लिया, बिना मोड के कंप्लीट करेंगे, ताकि भाई एक अचीवमेंट तो रहे कि FS22 बिना मोड के कंप्लीट किया हमने। आप लोगों के साथ अगर जो सारी सीरीज़ कंटिन्यू देखेगा भाई, बढ़िया, मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करना कि भाई मेरे को ने सारी सीरीज़ देखी कंटिन्यू। मेरे पहले अपने यहीं पे कमेंट करना, तब इंस्टाग्राम पे DM करना, क्योंकि DM में ना मेरे इंस्टाग्राम पर ने 5,000 फॉलोअर्स हैं, तो वहाँ पे ना मेरे पे ना पेंडिंग रिक्वेस्ट पड़ी है 2,000 के करीब, तो आपका DM भाई मिस हो जाता है फिर, क्योंकि ना बंदे स्पेम करते हैं फिर वहाँ पे कि गेम नाम क्या है वगैरह। तो इंस्टाग्राम पे मेरे 5 के हैं अभी फॉलोअर्स, और यूट्यूब पे अभी 1.4 के, तो इस टाइम अब इंस्टाग्राम पे 5 के हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे ज़्यादा ग्रोथ थी, क्योंकि ना वहाँ पे शॉर्ट वीडियो में डालता था, रेगुलर डालता हूँ अभी भी, जाके फॉलो कर सकते हो। इंडियन ट्रैक्टर की शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट नहीं सॉरी रील, शॉर्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, इंस्टा पे रील बोलते हैं ना, देख सकते हो। बिल्कुल हाई ग्राफिक्स, हाई क्वालिटी, और क्या बोलते हैं उसको, इंडियन ट्रैक्टर मोड है, बिल्कुल मज़ेदार। इस गेम पे मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर रखा है, इंडियन मोड से ऑलमोस्ट 10K के, लेकिन आप लोगों को रो गेम प्ले देखना था, तो भाई सारे मोड्स वर्थ इट नहीं है, मतलब वर्थलेस हो गए मेरे। 10K मेरे इन्वेस्टमेंट है FS22 में, 22 में, मतलब 10K ना केवल मोड्स पे था मेरा, बाकी गेम 2K का अलग है, ये गेम बाई किया है, क्रैक्ड वगैरह नहीं है ना, मैं सपोर्ट करता हूँ। गेम ना बिना इसके भी बढ़िया दिखता है यार। भाई वो मार्कर कौन सा शो हो रहा है, एक बार देख लेता। अरे यार
भाई मैंने देखा नहीं यार, ध्यान नहीं दिया। अरे अरे नहीं, मैं यहाँ का देखता हूँ। हाँ ओके, इसको बंद कर रखा मैंने, पता चला वेस्टेज जा रहा पूरा अपना फर्टिलाइजर। वो खड़ा अपना पहाड़ पे ट्रैक्टर दिख रहा होगा आपको। ये अपनी हार्वेस्टर इन गेम आती है, ये टॉप लाइनर। ओके भाई सही, ऑटोमेटिक। दूसरे ट्रैक्टर को देख लेता, ये अच्छा कल्टीवेट कर रहा है। तो यहाँ का कर रहा है ये, मैं यहाँ पे अभी तक आया नहीं हूँ क्या? ये बताएगा क्या क्या करना है। ओके हो गया काम, बार बार इसमें आ रहा था। गाइडेंस अपना 91% हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट। ये अपना जैसे मैंने बताया कि कनोला में भाई प्रॉफिट कम रहता है, तो अपनी ट्राली फुल होगी क्या ये इतनी जल्दी? भाई अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ यार वीट का। तो फिर से हार्वेस्टर को करते हैं, लगाते हैं काम पे। पूरी तो नहीं हुई खाली, ये वाला मैप मेरे को सही लगा यार। इसमें क्या बड़े बड़े फार्म है ना, तो प्रोडक्शन अच्छा रहता है। वीट का प्रोडक्शन बढ़िया रहा इस बार। बाकी ना अपने पास बेलर नहीं है, वरना ना बेल्स को भी सेल कर सकते थे अपनी स्ट्रोक की। तो फिर से अपन काम करते हैं चालू फर्टिलाइजर का। कहाँ पे थे? एक सेकंड में ऊपर ही छिड़क रहा हूँ फिर से। 91% हो चुका है अपना, थोड़ा सा ही बाकी है। मैं ऊपर इसलिए कर रहा हूँ ताकि दिखता रहिए कि कहाँ तक छिड़कने में आया है ये, क्योंकि अपने पास लिमिटेड है ना। ये भी अपने पैसों से खरीदा था। 92% कंप्लीटेड भाई, पूरा झटकना पड़ेगा क्या? और मेरे पे तो फर्टिलाइजर खत्म भी हो गया। भाई हो तो जाएगा ना, इससे कम बहुत लिमिटेड बचा है, होना चाहिए यार, वरना और खरीदना पड़ा था ना, नुकसान बड़ी भारी हो जाएगा। इस बार हो जाना चाहिए ये, मैंने कहीं पे जगह तो छोड़ी नहीं। अगर फिर भी ये गेम में बग है तो भाई इसका मेरी गलती नहीं है भाई, इतनी सी जगह तो छूटती है यार, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता 100%। ख़त्म हो गया यार, और 99 पे अटका भाई। क्या क्या यार 99 पे अटका यार, भाई पूरा ही खरीदना पड़ेगा अब। भाई गलत रिस्क हुआ मेरे साथ, गलत हो गया भाई, बीटी बीटी हो गई आज तो। और मैं करूं क्या फिर इसका? भाई मेरे कुछ काम में आने वाला है नहीं पूरा फर्टिलाइजर, मेरे को महंगा पड़ेगा ये। अनलोड कर दूंगा मैं, अपने फार्म पे काम देगा, क्योंकि ना ये तो गायब हो जाता ट्रैक्टर अपन मिशन के बाद। जल्दी से बाय करते हैं भाई, पूरा महंगा पड़ने वाला फिर से ये, भारी काम हो गया अपना तो आज। एक काम करेंगे ना, थोड़ा से लेंगे बस इतना सा, तो इसको रहने देते यहीं पे, अपने को चाहिए भी नहीं है। सही रहा ना, एकदम सही किया मैंने। अनलोड ईयर का ऑप्शन आता है ना, इसको भी अनलोड कर देंगे फिर, क्योंकि ना ये ना अभी ट्रैक्टर के साथ ये वाला पीछे जो भी मशीन है इसकी फर्टिलाइजर सेपरेटर, ये भी गायब हो जाएगी, फर्टिलाइजर भी गायब हो जाएगा। मेरे साथ हो रखा पहले ही ऐसा, इसलिए बता रहा हूँ। तो इससे बढ़िया ना कि जो अपना सामान है वो अपन बाद में ना फर्टिलाइजर लीज पे लेंगे, फर्टिलाइजर वाली मशीन, ट्रैक्टर अपने पास रहता ही है।
ओ काम देगा, बढ़िया है। अब बस हो जाना चाहिए, हो गया क्या? ओके बढ़िया, इसको भी रोको, फिर से चलते हम वहीं पे और अनलोड कर देते हैं बाकी बचे फर्टिलाइजर को। अपना पैसा ऐड ऑन हो गया क्या? टोटल इतना कंप्लीटेड, पैसा आया ही नहीं, कब आएगा ये? गेम से हो रहा भाई, आएगा कब? कलेक्ट के, ओके अब आएगा जब मैं कलेक्ट पे दबाऊंगा। पहले हम वहीं पे कर देते हैं, क्या पता गायब हो जाए अभी ये। यार कैसे कैसे ड्राइवर लोग हैं यहाँ पे। अंदर का व्यू बहुत ज़्यादा खतरनाक आता है। तो वो अनलोड हो गया, लेकिन एक और बैग बन गया, तो मैं उतर जाता हूँ यहाँ से। उतर जा भाई, क्या हो रहा है ये? वही ना, मैंने रिफिल कर दिया था। वाह, एक और बैग बन गया, तो कलेक्ट करते हैं यहाँ से। हो गया, अपने पास हुई है टोटल इनकम 7,500 $9 की, तो गुड है यार, ठीक रहा। और ट्रैक्टर गायब हो गया, मैं बताया था ट्रैक्टर गायब हो जाएगा अभी, अपना खामा का नुकसान हो जाता 300 लीटर का। पहले ना इसको ना डालते हैं अपने स्टोरेज में। ये वाली ट्रॉली भाई मेरी बिल्कुल फेवरेट नहीं है, और हम बाई करेंगे। सबसे पहले अपना टारगेट रहेगा कि हम बाई करें कोई नई ट्राली। ये रहा ट्रेलर, ये वाली ट्राली तो यही सही रहेगी भाई। ये कितनी बढ़िया है ना, ट्रैक्टर की है या ट्रक की है भाई? ट्रक की है ये, तो ट्रैक्टर में नहीं चलेगी ये। अपना पता है ये वाला, ये चीज़ आपको नहीं पता नहीं, ये ना साइलेज के लिए है, और हम ना साइलेज का बिजनेस चालू करेंगे बहुत जल्द ही। कौन कौन हार्वेस्ट कर सकते क्या अभी, मतलब कौन शो कर सकते क्या? कौन कहाँ है कौन? ये होएगा अपनी अप्रैल में, मार्च अप्रैल, तो भाई वो पूरा साल बाकी है। और मेरे को आप लोग एक चीज़ बताओगे इस वीडियो के कमेंट में, कि मैं एक वीडियो में एक सीज़न कंप्लीट करूं, मतलब ना कि एक वीडियो में एक महीना जाता है इसमें एक दिन में, तो मैं एक दो महीने स्किप कर सकता हूं क्या? आप लोग बताओगे तभी, ताकि ना अपना जो ये हार्वेस्टिंग का टाइम है ना, जैसे कि मैं बताता हूँ कि अभी अपना मन चल रहा है अगस्त, और अभी हमने बोया है जैसे कुछ भी बोया, जैसे मान लो कि ये कनोला बोया है, तो ये कनोला हार्वेस्ट पता कितने कब होता? 1 2 3 4 12 महीने बाद। मतलब अगर मैं 1 मंथ की एक वीडियो बनाऊंगा ना, तो 12 महीने बाद रहेगा भाई, जब तक हम इसको हार्वेस्ट भी नहीं कर सकते, और अपने पास कुछ ज़्यादा काम भी नहीं रहेगा, और हर महीने यार कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते ना। तो वैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जैसे अभी अगस्त में हैं, तो मैं डायरेक्ट अगली वीडियो जुलाई से चालू करूँ, और वो मैं ना मोड़ के साथ नहीं करूँगा, मैं आपको बता दूंगा अभी। जैसे अपने घर में स्लिप का ऑप्शन आता है सोने का, जैसे हम सोएंगे 10 15 सेकंड में अगला मंथ चालू हो जाता है, तो उससे ना एकदम मोड़ नहीं है वो, एक्चुअली वो एक ट्रिक भी बोल सकते हैं उसको। इससे ना अपना टाइम बचेगा, और हम जल्दी जल्दी पैसा अर्न कर सकेंगे। जैसे अभी सारे खेतों में अभी हम बाद बो देंगे ये क्या बोलते हैं ग्रास, अपना कल्टीवेटर फ्री हो गया क्या? नहीं हुआ, ये भी फ्री नहीं हुआ। तो अभी सारे खेतों में ग्रास बो देंगे, वो डायरेक्ट ग्रास हम डायरेक्ट ही हार्वेस्ट कर पाएंगे, अगर 1 2 महीने हमने स्किप कर दिए तो। दे ऐसे वेजेस कटता रहेगा लेकिन हर महीने का, लेकिन हम ड्राइवर लगाएंगे नहीं, और वैसे अपने पास काउस है नहीं अभी, तो उनके खाने का दिक्कत है ही नहीं अभी। बगल वाले खेत में कनोला है ना, देखता मैं, कैनोला यही है। और 30 रेडी टू हार्वेस्ट है, फर्टिलाइज नहीं है ये। और ये क्या चीज़ है? ये है सोयाबीन, और अभी ग्रोइंग स्टेज में है ये। खेत कितने के हैं एक बार देख लेता मैं, सस्ते हैं क्या? ये है $1,12,000, ये है $1,46,000 भाई, अच्छा खासा महंगा अभी। ये हमने अभी बोया था, इसमें मतलब फर्टिलाइज किया था, $3,50,000 का। यार महंगा है यार बहुत ज़्यादा,
भाई अपना पहला टारगेट रहेगा ये, आप बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में पहला टारगेट, जो भी यहाँ पे जो वीडियो देख रहा है भाई, मतलब आपके हिसाब से चलूँगा मैं, कुछ मेरी कुछ आपकी। और भाई ये ट्रैक्टर सेल कर दूँ क्या सारे? लेकिन मतलब बड़े बड़े फार्म हैं, पिछले में ना छोटे छोटे फार्म थे तो एक ट्रैक्टर से काम हो जाता था, बड़े बड़े फार्म में देखो ना कितना टाइम लग रहा है कल्टीवेटर में भी, तो सेल तो नहीं कर सकते इनको। लेकिन अब प्रोडक्शन इसमें बढ़िया होता है यार, अच्छा पैसा आएगा अपने पास। एक कार को सेल करने में कितना मिलेगा? कार को सेल करने मिलेगा 36,000, और बाकी वेट का तो कुछ नहीं मिलता। ट्रेलर मिलेगा 10,000 का, और न्यू ट्रेलर कितने का आता है? न्यू ट्रेलर आता है भाई इतना महंगा आता है, ये वाला ट्रेलर देखना कितना छोटू सा है, कैपेसिटी कितनी है इसकी। बेल ट्रेलर, ओके वाह, बेल ट्रेलर भी बन जाता है ये, कितना छोटू सा है यार। तो ये बाई करेंगे ताकि मज़ा आएगा बेल खरीदने में, सॉरी बेचने में, एक एक दो दो बेल लेके जाएंगे। ये अभी अपना स्टैंडर्ड वाला है जो अभी अपने पास करंटली है। इसमें कितनी स्टोरेज है? इसमें है 350 kg, ये नहीं ये वॉल्यूम है 8 m², 8 m³ सॉरी, ये है 1.6 m³। भाई तो बिल्कुल ना छोटा सा ही है, तो छोटू सा, लेकिन सब कुछ आ जाता है इसमें भाई देखो, मतलब इससे भी ज़्यादा आई थिंक सो। मेन्योर हुआ, TMR हुआ, सब कुछ भर सकते हैं इसमें, तो भाई ना बिल्कुल ना रो गेम प्ले होएगा। और भरने के लिए मैं बताऊँ ना, एक तो चीज़ें होती है जैसे व्हील होल्डर हुआ, इसके आगे ना ये भाई कुछ भी भर सकते हैं हम, टेल लोडर व्हील लोडर ये सब। कल्टीवेटर फ्री हो गया क्या अपना? फ्री हो गया, फ्री हो गया। उस वाले खेत में कल्टीवेट कर देते हैं। और अभी ना हम बेलर बाई करें क्या? सबसे छोटा बेलर कितने का आता है? क्योंकि अपने पास तो अभी है ना कुछ चीजें जो बेल कर सकते हैं हम। स्ट्रो है अभी, बेलर कहाँ है? सबसे छोटा बेलर $22,000 का, बाई कर सकते हैं यार, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा अपना। ये लीज पे लो क्या? लीज पे लेते हैं यार, राउंड बेलर है ये, स्क्वायर बेलर ये मेरे पसंद आ रहा है यार, लेकिन कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। लीज पे लेते हैं फिर इसको भी, कौन सा लूँ मैं, डाउट हो गया भाई पूरा। चल यही लेते हैं लीज पे, और अपने को कटेगा और इतना ज़्यादा कटेगा यार, पर डे भी ये अपना जाएगा $480 एक दिन का, मतलब एक वीडियो का। तो ये काम करते हैं ना, अभी इसको 2,500 मिल लेते हैं, लेकिन भाई पता चला बेल से नहीं हुई 2,500 की। तो चलो अभी छोड़ते हैं ये वाला सीजन, नहीं लेंगे हम बेल्स का, अगला सीजन लेंगे। मेरा मैनुअल गेयर शिफ्टर है, सेटिंग से हो जाता है, मैं बता दूं, ये भी मोड नहीं है, आपको बता ही दूं मैं। यहाँ से है ना मैनुअल, मैनुअल कहाँ है ये गेयर शिफ्टर? मैनुअल पे है भाई, मेरे को याद भी नहीं, मैंने जब गेम डाउनलोड किया ना तब भी मेरा मैनुअल पे ही था ये। कहाँ है ऑटोमेटिक? नहीं, इसको मैं ऑन करता, ऑटोमेटिक ऑफ को ऑफ करता, सो ये ऑन नहीं। व्हीकल कंट्रोल मैनुअल सेटिंग में क्या? गियर वो ये दो, गियर शिफ्ट मोड मैनुअल पे, ऑटोमेटिक पे रहता है मैनुअल पे, मेरी आदत पड़ी है मैनुअल पे चलाने की, मैं कीबोर्ड से गियर चेंज कर लेता हूँ भाई, अब आदत पड़ गई तो कोई कुछ नहीं कर सकते। अब मेरे को ना ऑटो पे चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, कल्टीवेट करना ना। तो अपने को बेलर तो खरीदना ही पड़ेगा वैसे भी, क्योंकि ना ग्रास तो अपने बोया ही है सभी खेतों में, चल जाएगा क्या? सही, छोड़ के जा रहा है, रुक जा भाई रुक जा, तो छोड़ के नहीं जाना अपने को बिल्कुल ना, एक्यूरेट काम करना इस बार, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कहीं पे भी।
बाकी मैं इंडिया से हूँ भाई लोग, आपको अगर नहीं पता है तो। इंडिया, राजस्थान, हम इंडिया नहीं है। भाई ये बो भी रहा है क्या? 100% दिखा रहा मेरे को तो। ग्रोथ ग्रोइंग भाई, ग्रोइंग स्टेज में आ भी गया अभी। इधर पर तो बिल्कुल नहीं दिखा रहा। फर्टिलाइज करेंगे इनको अच्छा खासा हम, जब ज़रूरत पड़ेगी तब। नीड लाइम, नीड रोलिंग भाई करेंगे, इजी पीजी खरीदता मैं। लाइम के लिए हम क्या ही खरीदेंगे? रोलर कितने का पड़ रहा है यार? भाई डायरेक्ट बाई करेंगे इनको तो, अगर सस्ते रहे तो। रोलर रोलर भाई ये पड़ेगा $41,000 का। सॉरी भाई गलती से बोल दिया कि बाई करेंगे, लीज पे लेंगे, लीज पे लेंगे भाई, गलती से बोल दिया बाई करेंगे। ट्रैक्टर फ्री है क्या मेरे पे अभी? हाँ है ना, एक ट्रैक्टर फ्री। हार्वेस्टर को रखते हैं अपन वहीं पे, इनकी जगह पे, क्योंकि इस बार ना सामानों को बाहर नहीं रखेंगे, हर बार बाहर रखते थे। अपने पास शेड है ना इस गेम में, इस मैप में, सॉरी गेम में नहीं, उस वाले मैप पे था नहीं, मैंने बताया अभी तो। शेड खरीद लेते हैं, ये वाला मैप मेरा फेवरेट है, क्योंकि ना इसमें खेत एक तो बड़े बड़े अपने पे, बाकी जगह ना एकदम खुली खुली है, रेडी टू मतलब नियर टू अप्रोच है सब। ये क्या बेलर के लिए जगह है क्या? ये कौन सी जगह भाई? साइलो इज एम्प्टी, ओके समझ गया, ये अपना एक्स्ट्रा स्टोरेज है भाई, वो है न्यू वाला, ये ओल्ड वाला है। ये है ना, मेरे को कमेंट में बता देना, टाइम स्पैम लगा के, टाइम वो बोलते हैं ना, टाइम स्टैम्प लगा के मेरे को बता दिया कर। स्पैम पे बोल रहा हूँ मैं यार, मैं कुछ भी बोल देता आजकल। हेडर को लगाए रहने देते हैं। ये क्या खुल गया? ओके तो अभी इसका काम, अरे ये रुका क्यों है? ट्रैक्टर मैंने वो अब अंदर से अभी ऑन किया था कि ऑटो ऑफ नहीं होएगा, अब जैसे भी मैं उतर गया ना, फिर भी अपन ट्रेलर खाली कर सकते हैं। अगर किसी बाइक को सेटिंग नहीं पता तो आप देख सकते हो, वहीं पे मिल जाएगी, बिना मोड़ के आई है, कोई मोड़ नहीं है इसमें। हो गया अपना स्टोरेज में खाली, और मैं जल्दी जाता हूँ शॉप पे, और शॉप पे लेके आता हूँ रोलर जो अभी हमने लीज पे लिया था। ये मैंने, मैं पहले भी खेला था इसलिए मेरे को पता है कि शॉप यहाँ पे, वरना भाई ढूंढने में टाइम लग जाता था। पहले जब फर्स्ट टाइम खेला था भाई ढूंढ रहा था मैं ऐसे ही। सबसे पहले मैंने ये वाला मैप खेला था थोड़ा सा, जब डाउनलोड किया था गेम कुछ महीने पहले, करीब 6-7 महीने पहले डाउनलोड किया था। अरे आपने कौन कौन मतलब ये वीडियो देख रहा है जिसने ये गेम खेला है, और कौन कौन खेलना चाहता है फ्यूचर में? कोई बढ़िया गेम है, अच्छा पीसी बाई करो और गेम खेलो। मेरा पीसी स्पेक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, RTX 3060 Ti, 16 GB रैम और 5600 राइजन 5 AMD की तरफ से आने वाला प्रोसेसर। इंटेल भी बाई कर सकते हो, लेकिन मेरे पे ना ऑलरेडी एक AMD का राइजन 3 था पिछले ओल्ड वाले में, लैपटॉप में है अभी भी ये लैपटॉप, तो भाई राइजन मेरे को सही लगा थोड़ा। गेमिंग में राइजन सही रहता है, इंटेल से CPU रेंडरिंग में इंटेल सही रहता है। ओवरऑल भाई किसी का इंटेल फेवरेट, किसी का राइजन, मेरे को राइजन बढ़िया लगा, मैंने राइजन ख़रीद भी लिया, 5600X 5600 राइजन 5, 6 कोर 12 थ्रेड, और GPU है मैं सही का RTX 3060 Ti, 8 GB रैम, भाई बढ़िया GPU है, आराम से ये गेम को ना इजीली 2K पे चला सकता है, 2K में भी 4K में भी चला सकता है। ये कौन सी, ये क्या चीज़ है?
कि वीड्स ग्रोइंग वीडर भाई, वीड्स ग्रोइंग, मेरे को नीड लाइम भाई, नीड रोलिंग दिखा रहा था ना अभी, नहीं सॉरी, इसमें तो अभी हमने सोया ही नहीं किया, सॉरी मेरी गलती है, उस वाले खेत में चलाना है ना भाई, मैं डायरेक्ट वहीं से आ जाता, देखो भाई भूल गया मैं, चलो कोई नहीं, भाई वाला ट्रैक्टर छोटा लग रहा मेरे को रोलर के लिए, चलाने के बाद ही पता चलेगा। भाई इतना बड़ा कल्टीवेटर हो ना तो भाई खेत को ना 2 मिनट में निपटा ले। अब हम चलाएंगे रोलर। अब रोलर का यूज़ मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओ, इसका यूज़ क्या रहता है बताओ, क्यों चलाते हैं हम रोलर खेतों में भाई, ऐसे चलाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ रोलर चलाया, लेकिन खेत निपटा भी तो नहीं है ना भाई, बहुत ज़्यादा धीरे चल रही है, ट्रैक्टर में दम नहीं है भाई। भाई बिल्कुल ट्रैक्टर की जान ले ली मैंने आज। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किस तरह की वीडियो चाहिए, जैसे कि ये सही है या नहीं है, कुछ चेंजेस करने हो तो ये भी बताओ मेरे को। तो रोलर भी हम घुमाएंगे, फर्टिलाइजर भी घुमाएंगे, फर्टिलाइजर भी घुमाएंगे, क्या बोल रहा मैं, फर्टिलाइजर भी देंगे, मेरे कहने का मतलब भाई इतना देर पे क्यों गिराइए। एकदम सही जा रहा रोलर से ना, थोड़ा ना खेत में फर्क है तो तभी पता चल रहा है कि कहाँ रोलर घुमाना है कहाँ नहीं। अरे यार सोइंग मशीन लीज पे लूँ क्या, कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। भाई इतना छोटा कल्टीवेटर है ना, कल्टीवेटर का सीन ही ये मशीन बहुत ज़्यादा धीरे चल रही है। बाकी कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या, बढ़िया, एक काम तो होता रहेगा अपना, कॉन्ट्रैक्ट है बेलिंग का, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का सबसे ख़राब कॉन्ट्रैक्ट 23, कितना छोटा है ये, क्योंकि फर्टिलाइजर अपने पे पड़ा है 23, किधर है ये 23, इतना छोटा है लेकिन दूर इतनी बन जाए, 2 मिनट का काम है, जाऊं क्या मैं, कितना मिलेगा अपने को भाई, फिर भी क्लेश हो जाएगा दोनों ड्राइवर के बीच, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेते हैं यार एक कॉन्ट्रैक्ट, ये भी फर्टिलाइज़र का छोटा ही है बिल्कुल, और अपने पे फर्टिलाइज़र भी पड़ा है, फील्ड नंबर 33, 23 एंड 44, कौन सबसे पास और छोटा, 23 तो ये रहा, 33 कहाँ पे, 44 तो हमने अभी कर लिया था ना 44, तो फिर क्यों दिखा रहा, भाई 44 कर लिया फिर भी दिखा रहा, भाई पता नहीं गेम के नशे अलग, 33 कहाँ पे, ये 33 तो यही था ना, ये 23 था, 33 इधर होगा, 33 काफ़ी बड़ा यार, 33 नहीं लेंगे, 23 लेंगे,
$2,000 के लिए, ताकि अपने लीज के आइटम का पैसा निकल जाए। बोरो आइटम्स, ये काम तो बढ़िया चल रहा है अभी। भाई ये वाला ट्रैक्टर बढ़िया है यार, छोटा सा। फर्टिलाइजर के तो बैग पड़े हैं अपने पे। सब कुछ ले लेते हैं, बाकी फिर से यहीं पे आके छोड़ देंगे इनको। पूरा भर गया क्या? 900 लीटर। रास्ता तो देखा ही नहीं मैंने, सीधा नहीं जा सकते घूम के इधर से। ओके ये रहा, ओके बढ़िया। अरे 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 अरे, बिना फर्टिलाइजर के खेत पहुंचा हूं मैं। कंट्रोल प्लस जेड, ओके 42 मीटर तक छिड़काव कर सकता है ये भाई। पिछले में तो ऐसा ऑप्शन आया ही नहीं था, वो तो इससे बड़ा था ना, और इसमें ऑप्शन आ रहा है भाई। छोटे में ज़्यादा ऑप्शन है, तो फर्टिलाइजर की कमी है ही नहीं, एक्स्ट्रा है बल्कि। ये कितना दूर है भाई? लेकिन कौन सा अपना फ्यूल लग रहा है? लीक्स के आइटम है। देखते हैं कि क्या है खेत में। पिछली बार कॉटन था। ये क्या चीज है? भाई इतना बड़ा तो खेत है, मैप पे कितना छोटा दिख रहा। ये क्या है? दिस व्हीकल टूल इज, अबे तो भाई इसमें तो चला रहा हूँ भाई, इतनी दूर भाई, इतनी दूर फेंक रहा है ये तो भाई। सही चीज पकड़ में आई है भाई। अगर अगली बार इस वाले फर्टिलाइजर का यूज होगा ना भाई, डायरेक्ट सीधा लेंगे। काम घंटों का काम मिनटों में। मिनटों में नहीं, सॉरी सेकंडों में होएगा ये तो आज। भाई फिर भी ना बहुत ज़्यादा ही पास जा रहा, बस फिर से आना ख़त्म काम। 3 बार में ही कितना इजी कॉन्ट्रैक्ट था ये। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आए ना तब मजे हैं। अभी हम इसको कम कर देंगे क्योंकि वेस्टेज आएगा अपना पूरा। इतनी दूर जा रहा है अभी।
हम इसको सबसे कम कर देंगे, कंट्रोल प्लस जेड है ना, हाँ ये सही रहेगा। नहीं नहीं कंट्रोल प्लस जेड थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, ये सही है, वेस्टेज नहीं जाएगा अपना। खत्म अपना काम, जल्दी चलो अपने ट्रैक्टर को लेके फर्टिलाइजर अनलोड करते हैं। यहाँ पे भी कोई शॉप है दिखती, पास जाके देखता क्या है यहाँ पे, सेलिंग पॉइंट है कोई, बढ़िया चलो आज विजिट किया, कभी ना कभी लेके आएंगे माल अपना। फिर से चलते हैं अपने घर पे, अनलोड करेंगे फर्टिलाइजर पहले। भाई बढ़िया ट्रैक्टर ही है, बाई करेंगे कभी ना कभी इसको, भाई जितनी शॉप पे जितना आइटम है ना वो सब बाई करेंगे एक टाइम पे। बस देखते हैं कि 100 वीडियो में होता है पूरी सीरीज कंप्लीट। मेरे को ना बहुत ज़्यादा पता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, गेम ना बहुत ज़्यादा लेंदी है ये, मतलब इतना बड़ा गेम है ना ये, क्योंकि इसमें पैसे अर्न करके खुद बाद में डालो अगर बिना चीटिंग के करो तो, वरना तो भाई एक मिनट में पूरा हो जाएगा। शॉर्टकट कौन सा अपना ट्रैक्टर है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, यहाँ पे तक कोई देख रहा है क्या, ब्रेक मार रहा हूँ मैं तो। ये एक खतरनाक वाला शॉर्टकट लिया मैंने, शॉर्टकट चाहिए, एक सेकंड में आ गए, ये तो पलट जाता पूरा ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्ट वर्क के लिए ना भी इसलिए नहीं कर सकते, वरना भी मेरे खुद के खेत में हो गया अपना खाली। करते इसको शो, करते कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट को, बढ़िया भाई, इतना ज़्यादा टाइम लगेगा क्या, वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हुई है, देख के आता मैं। भाई लोग वीडियो एक घंटे की होने में 50 मिनट के करीब हो गई है, 48 मिनट्स, एक घंटे जाएगी है तो। चलो आज के लिए बस इतना ही, ये हम ऑटो पे लगा रखा मैंने, वैसे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होएंगे, एक घंटे की तो वैसे होगी, कौन देखेगा ही नहीं यहाँ तक, भाई किसने देखी है क्या पूरी ये बताओ मेरे को अभी तक। और मैं ये रोलिंग पे छोड़ रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक होता रहेगा जब तक, और अगली वीडियो में मिलते हैं। और ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताऊँ अगली वीडियो डालने से पहले, कि हर महीने की अलग वीडियो या एक साथ स्लिप करके मंथ स्किप करूँ मैं, ताकि ना डायरेक्ट हार्वेस्टिंग की वीडियो आ पाए। ये बताओ आप लोग भैया, आपके खेत इतने बड़े हैं ना, टाइम बहुत लगता है, एक तो भाई गाड़ी चलाते हैं थोड़ी दूर, चलने दे भाई चलने दे,
और भाई कैसा है? ओके ना, इसमें हम सामान लोड कर सकते हैं भाई, ये तो मैंने देखा ही नहीं। और क्या खुलता है इसका? बढ़िया यार, बेलर के लिए तो यही काम आएगा। हम इसमें बेल्स डालेंगे और सेल करेंगे। पिकअप है ना अपनी, ये फिर से छोड़ते हैं घर पे। बंद तो करा ही नहीं मैंने भाई, कलेश हो गया दिखते हैं यहाँ पे तो। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये काम हो जाएगा पूरा ऑटोमेटिक।